हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, लगभग 2 महीने बाद मैं आज अपने इंस्टीट्यूट में आया हूं, लेकिन अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि शूटिंग लेने आया हूं। दोस्तों, अब तक मैं लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर ही रहकर मैं शूटिंग लेता था, मोबाइल से शूटिंग लेता था। दोस्तों, इसी साउंड की थोड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन आज मैं अपने इंस्टीट्यूट में आया हूं। हालांकि अभी पढ़ाना अलाउ नहीं है, लॉकडाउन अभी कोचिंग क्लास वालों के लिए है। शायद 15 जून के बाद हमको अनुमति मिल जाएगी पढ़ाने की, इजाज़त मिल जाएगी पढ़ाने की। मुझे लगा कि चलो आज शूटिंग लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। देखिए, मैंने कुछ सेटिंग की है, ये सारा बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया है, लाइटिंग भी सिस्टम बढ़िया है, मुझे लगा यहाँ से शूटिंग लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं, आज क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रभात कुमार का एक डाउट था, एक फ्रेज था, और उन्होंने कहा था कि सर बट फॉर को समझाइए। तो मैं आज आपको बट फॉर समझाने वाला हूँ, बट फॉर को डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि बट फॉर आखिर है क्या, इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका सेंटेंस मेकिंग क्या रहेगा, इसका मीनिंग्स क्या रहेगा, ये सारी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी हर बात को समझिए, वीडियो देखने के बाद हर किसी को शेयर करें, अधिकतर लोग को शेयर करें, जिससे हर कोई इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाना सीख जाए। तो दोस्तों, चालू करते हैं, वन बाय वन कोशिश करते हैं इस टॉपिक को समझने की। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, बीच में वीडियो को न छोड़ें। तो दोस्तों, समझते हैं कि बट फॉर को हम लोग समझेंगे क्या, बट फॉर का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग्स क्या है। तो बट फॉर को अगर हम लोग इंग्लिश में समझें तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, जिसको कहते हैं छोड़कर, जिसको हम लोग एक्सक्लूडिंग भी कह सकते हैं। इसको हम लोग दूसरे सेंस में देखें तो एक्सेप्ट फॉर समथिंग मतलब कुछ को छोड़कर, अगर ये बात को छोड़ दिया जाए तो, अगर ऐसा ना होता तो, इस बात को छोड़ दिया जाए अगर ऐसा ना होता तो, ऐसा सेंस आ रहा है। और इसका इस्तेमाल करते हैं यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग वुड हैव हैपेंड, इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसा हो गया होता इफ समथिंग एल्स और समवन हैड नॉट प्रिवेंटेड इट, अगर किसी चीज ने इसे रोका ना होता, किसी व्यक्ति ने इसे रोका ना होता तो ऐसा हो गया होता। बट फॉर का इस्तेमाल हम लोग उस समय करेंगे जब हमें कहना है कि ये ऐसा हो गया होता, ये बातें हो गई होती अगर किसी चीज ने या किसी बात ने इसे रोका ना होता। इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि हम लोग बट फॉर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहला सेंटेंस, बट फॉर हर इलनेस शी वुड हैव अटेंडेड द क्लास। बट फॉर हर इलनेस शी वुड हैव अटेंडेड द क्लास, अगर वो बीमार ना हुई होती तो वह क्लास अटेंड कर लेती। अगर उसकी बीमारी को छोड़ दिया जाए, अगर वो बीमार ना रही होती तो वो क्लास अटेंड कर ली होती। अगर वो बीमार ना रही होती, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कुछ चीज ना होती या कोई चीज ने ना रोका होता तो वो ऐसा कर लेता। तो यहां पर बीमारी ने उसको रोका है इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर पाई। तो हमने यहां पर कहा कि बट फॉर हर इलनेस शी वुड हैव अटेंडेड द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, बट फॉर लॉकडाउन आई वुड हैव कम टू मीट यू। बट फॉर लॉकडाउन आई वुड हैव कम टू मीट यू, अगर लॉकडाउन न रहा होता तो मैं तुमसे मिलने आता, अगर लॉकडाउन न रहता तो मैं तुमसे मिलने आता। मैंने आपसे कहा था अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। तो बट फॉर लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन न रहता तो मैं तुमसे मिलने आता। और अभी मैं मिलने आने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है पुलिस वाले हैं और डंडे पड़ेंगे, तो मैं ऐसा दुस्साहस नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, बट फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑन टाइम शी वुड हैव डाइड। बट फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑन टाइम शी वुड हैव डाइड, अगर उसे समय पर सही इलाज ना मिलता, अगर उसे समय पर सही इलाज ना मिलता तो वह मर गई होती। बट फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑन टाइम, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर ना होता तो वह मर गई होती। नेक्स्ट सेंटेंस, बट फॉर पेरेंट्स डेथ द चाइल्ड वुड नॉट हैव बीन एन ऑर्फेन। बट फॉर पेरेंट्स डेथ द चाइल्ड वुड नॉट हैव बीन एन ऑर्फन, माता पिता की डेथ ना हुई होती, माता पिता का देहांत ना हुआ होता, माता पिता की मौत ना हुई होती तो बच्चा अनाथ ना होता,
हो सकता है कि उसके माता पिता का देहांत किसी एक्सीडेंट में हो गया होगा, तब यह सेंटेंस कहा गया है, बट फॉर पेरेंट्स डेथ द चाइल्ड वुड नॉट हैव बीन एन ऑर्फन. दोस्तों यहां पर एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगाया गया है. अगर प्लूरल नाउन होता है तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगाते हैं, ये आपको पता है. नेक्स्ट सेंटेंस, द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बट फॉर अ फाइनल कोट ऑफ पेंट. द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बट फॉर अ फाइनल कोट ऑफ पेंट. काम लगभग समाप्त है, काम लगभग खत्म है, केवल आखिरी पेंट का कोट बचा हुआ है. आखिरी एक कोट और मारना है, पेंट का एक कोट और मारना है. अगर इसको छोड़ दिया जाए तो काम लगभग समाप्त हो गया है. यहां पर यह सेंटेंस ये कह रहा है, I would certainly have been allowed in the team but for my recent injury. अगर हाल ही की चोट को छोड़ दिया जाए, हाल ही की मेरी चोट को छोड़ दिया जाए, जो हाल ही में मुझे जो चोट लगी थी उसको छोड़ दिया जाए, अगर वो न रहा होता, अगर मुझे हाल ही में चोट न लगी हुई होती तो मुझे टीम में शामिल कर लिया गया होता, तो मुझे टीम में खेलने की अनुमति मिल गई होती, निश्चित रूप से मुझे टीम में खेलने की इजाजत मिल गई होती. यहां पर यह कह रहा है, बस क्या गड़बड़ी हो गई, हाल ही की इंजुरी हो गई. हाल ही की इंजुरी की अगर बात न करें तो मुझे टीम में निश्चित रूप से इजाजत मिल गई होती खेलने के लिए. यहां पर यह सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस, बट फॉर यू दे माइट हैव गिवन अस लोन. बट फॉर यू दे माइट हैव गिवन अस लोन. तुम्हारी वजह से काम रुक गया है, बट फॉर यू मतलब तुम्हारी वजह से, तुम इसके कारण हो, तुम इसकी वजह हो, नहीं तो वे हमें लोन दे देते, वे हमें लोन दे सकते थे. बट फॉर यू अगर हमको बोलना है तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गई, तुम रोड़ा बन गए, तुम अड़ंगा बन गए, तुम अड़चन पैदा कर दिए. अदरवाइज दे माइट हैव गिवन अस लोन, नहीं तो वे हमें लोन दे दिए होते. बट फॉर यू, जब हम लोग कोई व्यक्ति कारण बनता है किसी बात का तो हम लोग कह सकते बट फॉर यू, नहीं तो ऐसा हो गया होता. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, बट फॉर दिस हर्डल्स द मीटिंग वुड हैव फिनिश्ड अर्लियर. बट फॉर दिस हर्डल्स द मीटिंग वुड हैव फिनिश्ड अर्लियर. केवल इस अड़चन को छोड़ दिया जाए, इस अड़चन की वजह से मीटिंग पहले समाप्त नहीं हुई, नहीं तो क्या होता, बट फॉर दिस हर्डल्स, इस अड़चनों को छोड़कर, इस रुकावट को छोड़कर, इस बाधा को छोड़कर, अगर ये बाधा और ये अड़चन, ये रुकावट नहीं होती तो मीटिंग पहले ही समाप्त हो गई होती, मीटिंग पहले ही खत्म हो गई होती. लेकिन वो बाधा आ गई, रुकावट आ गई, अड़चने आ गई, इसलिए मीटिंग लंबी चली. तो क्या कहा जा रहा है, बट फॉर दिस हर्डल्स द मीटिंग वुड हैव फिनिश्ड अर्लियर, नहीं तो मीटिंग बहुत जल्दी समाप्त हो गई होती. तो ये अड़चनों ने रोक डाल दिया, अड़चनों ने अड़ंगा पैदा कर दिया. नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल वॉज साइलेंट बट फॉर द साउंड व्हीकल्स. केवल वाहनों की आवाज को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ शांत था, सब कुछ खामोश था. केवल वाहनों की आवाजें आ रही थी, केवल वाहनों की आवाज को छोड़ दिया जाए, उनको छोड़कर सब कुछ शांत था, सब कुछ खामोश था. तो ये टॉपिक था आज का हमारा, बट फॉर प्रभात कुमार का टॉपिक था. मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस टॉपिक का सेंस समझ में आ गया होगा और हम लोग उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी समझ में आ गया होगा. तो दोस्तों अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम एक सेंटेंस बट फॉर का बना के बताइए, और जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है दोस्तों, बहुत से लोगों को शेयर करना है ताकि हर कोई इस प्रकार का सेंटेंस बनाना. थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें. चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपके भी डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे. और आपको डाउट पूछना बंद नहीं करना है, आपके डाउट के वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा दोस्तों. अभी दो दिन से, तीन दिन से, अभी लगभग दो दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, काम की व्यस्तता होने की वजह से मैं दूसरे काम में उलझा हुआ था. लेकिन आपकी वीडियो बनाऊंगा, मैं सारे जो टॉपिक्स रहते हैं, जो डाउट्स रहते हैं, उसको मैं नोट कर लेता हूं, और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं उसका शूटिंग लेता हूं, एडिटिंग और अपलोडिंग ये सारे काम करता हूं. तो अपने डाउट पूछना बंद न करें, हो सके तो आप अपने डाउट को दो तीन बार पूछें, तो उसे मैं जरूर चेक करूंगा.
कई बार क्या रहता, मैं पुराने डाउट चेक नहीं कर पाता हूं, लेकिन आप उसे बहुत जरूरत हो, बहुत नितांत आवश्यकता हो तो आप उसे दो तीन बार पूछ सकते हैं। डाउट पूछना प्लीज बंद ना करें। थैंक यू, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कोशिश के साथ, एक नए अनुभव के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।